नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूँ रूबी नेगी और वक्त हो चुका है दोपहर की फटाफट खबरों का। कांग्रेस आज दिल्ली के रामलीला मैदान में आज भारत बचाओ रैली कर रही है, जिसे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह संबोधित करेंगे। साथ ही आज इस रैली में हिस्सा लेने के लिए देश भर से कांग्रेस कार्यकर्ता दिल्ली पहुंच रहे हैं। गौरतलब है कि आगामी दिनों में दिल्ली विधानसभा चुनाव है, इसके लिहाज से भी यह रैली कांग्रेस के लिए काफी अहम है। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मंजूरी मिलने के बाद कानून बन गया है और इसे लागू करने को लेकर भाजपा की केंद्र सरकार ने काम करना भी शुरू कर दिया है। भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष ने शुक्रवार को अपनी पार्टी के सभी सांसदों को अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जाकर तीन पड़ोसी देशों से आए सभी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन और ईसाई शरणार्थियों से बातचीत करने के लिए कहा है। साथ ही इन सभी की सूचना एकत्रित करने के लिए भी कहा गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विश्वास जताया है कि वर्ष 2022 में संसद का सत्र नई इमारत में होगा, जहां इसी साल देश अपनी आजादी की 75वीं सालगिरह मनाएगा। ओम बिरला ने कहा कि हम अपने सत्र की नए संसद भवन में कराने पर काम कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि यह 2022 तक पूरा हो जाएगा। 63 मून्स टेक्नोलॉजी के 10,000 करोड़ रुपए फाइन मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम सहित दो वरिष्ठ अफसरों को 4 हफ्तों में जवाब देने को कहा है। कंपनी के वकील विश्वनाथ अय्यर ने कहा कि चिदम्बरम और दो अधिकारी के पी कृष्णन और रमेश अभिषेक कोर्ट द्वारा दिए गए 8 हफ्तों के समय में हलफनामा दायर करने में नाकाम रहे। राजनीतिक रणनीतिकार और जदयू के उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर आम आदमी पार्टी के लिए काम करेंगे, जहां इस बात की जानकारी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर दी। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर ने कई राज्यों में जीत के लिए रणनीति बनाई है और अब वे आगामी दिल्ली विधानसभा में आपको चुनाव जिताने के लिए हमारे साथ काम करेंगे। नागरिकता संशोधन विधेयक अब कानून बन गया है, पर पश्चिम बंगाल समेत कुछ राज्य इसे अपने राज्यों में लागू नहीं करने देने की बात कर रहे हैं। इसी बीच पश्चिम बंगाल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि बंगाल में नागरिकता संशोधन कानून लागू होकर रहेगा और ना तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और ना ही उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस इसे रोक पाएगी। इसके साथ ही घोष ने कहा कि पश्चिम बंगाल यह कानून लागू करने वाला पहला राज्य बनेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की तकनीकी मूल्यांकन समिति ने मध्य प्रदेश के 5 शासकीय मेडिकल कॉलेज में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में 803 सीटें बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बताया जा रहा है कि इन सीटों को बढ़ाने पर 521,74,45,000 रुपए खर्च होंगे। आरबीआई और एडीबी के बाद दुनिया की दो प्रमुख एजेंसियों मूडीज और डीबीएस ने भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर का अनुमान घटा दिया है। मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विसेज ने 2019 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान घटाकर 5.6% कर दिया है। वहीं सिंगापुर की फाइनेंशियल सर्विस कंपनी डीबीएस बैंकिंग समूह ने चालू वित्त वर्ष 2019-20 में भारत के विकास दर का अनुमान 5.5 से घटाकर 5% कर दिया है। बेंगलुरु में बड़े पैमाने पर निर्माणों को सुव्यवस्थित करने के लिए येदियुरप्पा सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। दरअसल सरकार बेंगलुरु विकास प्राधिकरण के लेआउट में 75,000 से अधिक कच्ची भवन निर्माणों को नियमित करने के लिए एक कैबिनेट उप समिति का गठन करने का विचार कर रही है। केरल, पश्चिम बंगाल और पंजाब के बाद अब महाराष्ट्र सरकार ने भी संकेत दिए हैं कि वह नागरिकता संशोधन कानून को लागू नहीं होने देंगे। कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री नितिन राउत ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून को हम महाराष्ट्र में लागू नहीं होने देंगे। गौरतलब है कि नागरिकता संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा में पास होने और राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के बाद कानून बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर पहुंच गए हैं, जहां वे आज गंगा परिषद के राष्ट्रीय कार्यकल्प संरक्षण और प्रबंधन की पहली बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वहीं आज कानपुर पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वागत किया। आपको बता दें कि आज इस बैठक में उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी हिस्सा लेंगे। अयोध्या के जमथरा गांव में भगवान श्री राम की 251 मीटर ऊंची प्रतिमा लगेगी, जहां पर्यटन विभाग के प्रस्ताव
चुनाव पर सरकार ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है। जानकारी के मुताबिक जमथरा में मूर्ति लगाने पर सरकार के न केवल 400 करोड़ रुपए बचेंगे बल्कि मूर्ति निर्माण भी जल्द शुरू हो सकेगा। हिमाचल प्रदेश में नए साल से शुरू होने जा रही टीजीटी की बैच वाइज भर्ती में 22 साल पहले बीएड करने वालों को सरकारी नौकरी मिलने की उम्मीद जगी है। दरअसल सरकार ने टीजीटी के 1304 पद भरने का फैसला किया है। आपको बता दें कि इनमें 684 पद पर आर्ट्स, 359 पद पर नॉन मेडिकल और 261 पद पर मेडिकल संकाय से भरे जाएंगे। नागरिक चोदन विधेयक पर जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि वो आज पार्टी छोड़ने का ऐलान कर सकते हैं। गौरतलब है कि प्रशांत किशोर ने कुछ दिन पूर्व नागरिकता संशोधन विधेयक का लोकसभा में पार्टी द्वारा समर्थन करने पर ऐतराज जाहिर किया था। झारखंड विधानसभा के 3 चरणों का चुनाव संपन्न हो चुका है और अब सभी राजनीतिक पार्टियां चौथे चरण के मतदान के लिए प्रचार प्रसार कर रही हैं। इसी बीच जेएमएम ने दावा किया है कि तीसरे चरण के चुनाव के बाद ही महागठबंधन को सरकार बनाने के लिए 41 का आंकड़ा मिलता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा के चुनाव परिणाम 23 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं जिसके लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बीच जेडीयू ने बिहार में 2020 विधानसभा चुनाव के लिए नारा तय कर लिया है। पार्टी 15 साल बनाम 15 साल के नारे के बाद विधानसभा चुनाव में उतरेगी। दरअसल जेडीयू बिहार की जनता को बताएगी कि कैसे 15 साल लालू राबड़ी ने बिहार में राज किया और जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को काम करने का मौका मिला तो उन्होंने 15 साल में किस तरह से बिहार की तस्वीर को बदला और नीतीश राज में आज बिहार प्रगति के पथ पर अग्रसर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झारखंड की चुनावी सभाओं में शुक्रवार को राम मंदिर बनाने के लिए हर घर से 11 रुपए और एक ईंट मांगी। उन्होंने कहा कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनना तय है, इस पुण्य काम के लिए झारखंड के हर घर से सहयोग चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राम मंदिर का 500 साल पुराना मामला समाप्त हो चुका है। केंद्र सरकार ने आखिरकार कमलनाथ सरकार की बात को मानते हुए 2,88,000 मीट्रिक टन यूरिया का अतिरिक्त कोटा मध्य प्रदेश को देने का फैसला कर लिया है। अब प्रदेश को मांग के अनुरूप 18,00,000 मीट्रिक टन यूरिया मिलेगा। आपको बता दें कि केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मुख्यमंत्री कमलनाथ को पत्र लिखकर इस कदम की जानकारी दी है। आज 14 दिसंबर को शिरोमणि अकाली दल का स्थापना दिवस है और आज ही पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होगा। ऐसा बताया जा रहा है कि सुखवीर सिंह बादल तीसरी बार अध्यक्ष चुने जाना तय है क्योंकि सुखवीर को पार्टी के भीतर से कोई भी प्रतिस्पर्धा नहीं मिल रही है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि अपेक्षा समाप्त करने का जैसा काम उद्धव ठाकरे ने किया है वैसा देश में इससे पहले कभी नहीं हुआ। फडणवीस के अनुसार उन्हें यह उम्मीद कतई नहीं थी कि सत्ता के लिए शिवसेना बाला साहब ठाकरे के विचारों से किनारा कर कांग्रेस के साथ भी जा सकती है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार है। तो ये थी अब तक की फटाफट खबरें। ऐसी ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही दिए गए नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए ताकि आप भी रह सके देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट।